प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर लागू आचार संहिता के बाद सोलन में प्रशासन की ओर से लोगों को अपने हथियार नजदीकी पुलिस थाने में जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सोलन पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो अपने हथियार जल्द से जल्द नजदीकी थानों में जमा करवाएं। इसके तहत जिले में अभी तक 300 हथियार जमा करवाए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजकुमार चंदेल ने बताया कि जिले में कुल 5592 हथियार हैं, जिसमें से ज्यादातर हथियार अभी थाने में जमा नहीं करवाए गए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि चुनावों के मद्देनजर पुलिस की ओर से अंतर राज्यीय नाके भी लगाए गए हैं और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है। एमसीसी लागू हो चुकी है और डीएम सोलन ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दी है। हमारे सोलन ज़िला में कुल 5592 वेपन है और आजकल वेपन डिपोजिशंस का काम चला हुआ है। सभी लोगों से अपील है कि वो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके अपने अपने वेपन जमा करवा दें। अभी तक टोटल 300 वेपन जो है विभिन्न थानों में जमा हो चुके हैं। इसके अलावा पुलिस इंटरस्टेट नाकाज लगा चुकी है। हर आने जाने वाले और हर नोटोरियस एलिमेंट पे पुलिस की निगाह है।